दोस्तों वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लव ट्रिप ब्लॉग्स। दोस्तों ये हैं भारत के कुछ बेहतरीन टेंपल जिनके मैं आज ब्लॉग बनाया है। दोस्तों हम जा रहे हैं वृंदावन धाम, आगे वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर? वृंदावन। तो हम लोग वृंदावन धाम जा रहे हैं ग्वालियर एमपी से, जिसका किलोमीटर में अगर बताया जाए तो मैं आपको 200 किलोमीटर समथिंग है। और तो वीडियो में बने रहिए, बाकी मैं अपडेट आपको थोड़ी देर से करता हूँ। और मेरे साथ में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपको अपना परिचय देंगे। सो व्हाट इज योर नेम? पिंटू। सो पिंटू, साथ में वासु और साथ में हेमंत, यानी कि जीतू। सो प्लीज वॉच करते रहिए, मैं आगे आपको अपडेट करता रहूंगा। ओके, दोस्तों ट्रिप की शुरुआत नाइट में इसलिए की है जिससे वहां पर जाकर अपना टाइम वेस्ट कम हो। दोस्तों तो दोस्तों ग्वालियर में अगर हम नाइट्स में निकलेंगे तो करीब मॉर्निंग में आप, मतलब रात में करीब 1:30 या 2 बजे तक आप आसानी से पहुंच सकते हो वहाँ पर। फिर होटल वगैरह भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमने कंटिन्यू स्टे किया था, तो देखिए आगे। सो हाय दोस्तों, अभी हम वृंदावन पहुँचे नहीं हैं, रास्ते में हैं, क्योंकि हमने नाइट में हाईवे पर ही एक होटल में स्टे कर लिया था। तो अभी सुबह नहा धो के बिल्कुल निकले हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से करीब दूर है वृंदावन, करीब आधे घंटे के रास्ते पर। सो कीप वॉचिंग, आगे देखते हैं वीडियो। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मथुरा से करीब करीब आधे घंटे की दूरी पर हैं और वहाँ पर अभी निकल चुके हैं। तो अभी ये हाईवे ही चल रहा है दोस्तों, मथुरा हाईवे ही, तो करीब बस जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। आप देखिए आगे वीडियो में, देखते रहिएगा। ये जैसे कि फरीदाबाद दिल्ली हाईवे ये चल रहा है। जय श्री कृष्ण जन्मभूमि, स्वागत है आपका। दोस्तों अपन वृंदावन पहुंच चुके हैं अब। सो दोस्तों वृंदावन पहुंच चुके हैं और इसके लिए आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, आगे वीडियो में देखते रहिए। सो दोस्तों कंटिन्यू अपन वृंदावन के लिए पहुंच चुके हैं, बस ये रास्ता है। रास्ते से आप देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको राइट टर्न एक लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है जैसे कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, यानी कि बिल्कुल से अब यहाँ से आप सीधे जाइए तो यहाँ पर मंदिर ही मंदिर हैं दोस्तों। मतलब जैसे आपने सुना होगा प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, और अभी नया मंदिर बना हुआ है जिसे बोलते हैं वैष्णो माता मंदिर, जो पहले नहीं बना था जब मैं पहले आया था, लेकिन अभी ये बन चुका है। देखिए लिखा हुआ है, आइए वृंदावन में आपका स्वागत है दोस्तों। सो वीडियो को देखते रहिए, आगे आपको वीडियो में बहुत कुछ। ये शांति सेवा धाम है दोस्तों, आश्रम है। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम वृंदावन आते ही जा रहे हैं, ये प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल वगैरह के दर्शन हम लौटते में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने की बात करेंगे दोस्तों इवनिंग में। दोस्तों प्रेम मंदिर से कुछ आगे चलने के बाद आपको यहाँ पर आता है उसके बाद इस्कॉन टेम्पल, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और इस्कॉन यानी कि इस टेम्पल के काफ़ी वो मंदिर विदेशों में भी बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। आइए इस्कॉन टेम्पल, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। दोस्तों यहाँ वीडियो को मैंने थोड़ा स्लो मोशन में कर दिया है जिससे आप उसका इस्कॉन टेम्पल का नाम पूरी तरीके से पढ़ पाएं, जो कि बोर्ड पर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जिसे इस्कॉन टेम्पल दोस्तों।
बोलते हैं ना। और दोस्तों वृंदावन में आपको कई तरह के आश्रम, कई तरह के रुकने की जगह आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। जैसे ही आप इस्कॉन टेम्पल को पार करते हैं, यहाँ पर भी आपको एक आश्रम मिल जाता है जो कि है फोगला आश्रम, जो कि मैंने स्लो मोशन कर दिया था। सो दोस्तों आपको एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ पर मंकीज़ का प्रकोप कुछ ज़्यादा है, तो आगे आपको वीडियो में बताएगा। मेरे साथ एक घटना भी हो चुकी है। सो दोस्तों ये सामने आपको मंकी और ये वानर सेना दिख रही है। मैं यहाँ पर अपने स्पेक्स पहना हुआ था, यानी चश्मे पहना हुआ था, और ये आए और उतार के ले गए। अब इनको हम काफ़ी लालच भी दे रहे हैं लेकिन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं नीचे। अब देखते हैं क्या होता है, शायद दे दें। ये देखिए लेकिन भाई साहब नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हो, और हमारे चश्मे उनके पास हैं। तो आप जब भी वृंदावन धाम आइएगा इन शैतानों से बचकर रहिएगा। ये देखिए और ये भी आ रहा है वो, देख। फेंक दिया। डंडा ले लो, डंडे से निकल जाओ। सो दोस्तों यहाँ पर उसने टीम के ऊपर मेरा चश्मा छोड़ दिया है और फ्रूटी ले गया है। दोस्तों सही यात्रा की शुरुआत अब हो चुकी है, यहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है। वीडियो देखते रहिए। भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आओगे तो ये सब भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जोर से बोलो राधे राधे राधे। चलो दोस्तों यहाँ पर निशुल्क जूता घर भी है, जहाँ पर आप अपने स्लीपर्स और शूज़ यहाँ पर रख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो दोस्तों चले आइए अपनी फैमिली के साथ वृंदावन, जिसे हम आध्यात्म की नगरी भी बोलते हैं। जय श्री राधे राधे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मास्क वगैरह लेते हुए, क्योंकि आगे जरूरत पड़ सकती है। और ट्रैफिक की बात करें तो काफ़ी हैवी ट्रैफिक होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अब नहीं ले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्टिंग होती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो दोस्तों आज सोमवार है, यानी कि मंडे है, फिर भी काफ़ी रश है भगवान के दरबार में। आगे वीडियो आप देखते रहिए, मैं वीडियो में आपकी सारी लोकेशंस वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से डाल दूँगा, जिसमें आप भी राधे राधे के दरबार में आ पाएंगे। तो जोर से बोलो श्री राधे राधे। दोस्तों लोकल मार्केट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखते जाइए। तो दोस्तों यह है वृंदावन की गलियाँ। सो आगे जाके इस मंदिर है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, देखिए। सो दोस्तों यहाँ पर हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, लेकिन मैं पुलिस ने यहाँ पर कैमरे मोबाइल वगैरह सब बंद करवा दिए थे, तो आपको थोड़ी सी झलक मिल जाएगी बाके बिहारी की। आगे मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेकर इसमें वीडियो में डाल दिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जो पुजारी वगैरह खड़े हैं उन्होंने मोबाइल वगैरह बंद करवा दिया। काफ़ी भीड़ होती है दोस्तों, लेकिन आप दर्शन आसानी से कर लीजिए। ये इसका आउटर गेट है दोस्तों, बाके बिहारी वृंदावन महाराज के गेट का। और दोस्तों ये है बाके बिहारी मंदिर का तीसरा गेट, मतलब तीन जगह से आप यहाँ पर मंदिर में एंटर हो सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। और हाँ दोस्तों आप अपने मास्क का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि COVID-19 का समय चल रहा है जैसे कि आप जानते हैं। दोस्तों हमें गोवर्धन के दर्शन करने भी जाना था, इस कारण से हमने एक होटल में रूम ले लिया था, जो कि आप वीडियो में देखें। सो दोस्तों ये है श्री श्याम माँ आश्रम राधा संत निवास वृंदावन। यदि आप यहाँ पर रुकने के लिए वृंदावन में सोच रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आएगा, आपको सस्ते और किफ़ायती रेट पर आपको ये मिल जाएगा। मैं यहाँ का आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप देखिए।
सो ये है आश्रम। यहाँ पर आपको खाना वगैरह तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सुख सुविधाएं और बिल्कुल शांत माहौल है। हमने भी यहाँ पर एक्चुअली एसी रूम ले लिया है थोड़ा आराम करने के लिए, क्योंकि ट्रेवल में काफ़ी थक चुके हैं सभी लोग, काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं। सो देखिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन जगह। और दोस्तों मैं इस होटल की यानी कि इस आश्रम के आपको कुछ व्यूज़ दिखा देता हूँ कि मतलब कितना शांत माहौल है, आप देखिए खुद। और हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पर मंकीज़ और बंदरों का कुछ ज़्यादा ही उत्पात है, तो यदि आप चश्मा या स्पेक्स पहने हुए हैं तो ध्यान से पहने, क्योंकि वो सबसे पहले वही आपके लेकर जाएंगे। और मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, इसलिए मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ, वीवेयर कर रहा हूँ। सो देखिए बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारा माहौल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। और रूम भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, रूम भी काफ़ी अच्छा है। तो ये स्लाइड है, मुझे लगा शायद ओपन होगा, लेकिन ये स्लाइड है। सो दोस्तों हेलो गाइस, सो ये रूम है, आप देखिए। ये एक्चुअली अभी नॉन एसी रूम है, क्योंकि अभी वहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है, तो जैसे ही वो रूम हमें एसी रूम प्रोवाइड होगा तो हम उसे भी ले लेंगे, अभी आराम करने के लिए जब तक हमने इसे ले लिया है। तो काफ़ी कोऑपरेटिंग स्टाफ है दोस्तों, आप यहाँ पर आए तो बिल्कुल ये रूम लें, देखिए बहुत बेहतरीन। सो दोस्त काफ़ी थक चुके हैं आराम से। सो ये गिलास, यहाँ देखते हैं इन्होंने यहाँ क्या दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर कप बैग्स वगैरह अपने रख सकते हैं दोस्तों, सस्ते में इससे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूँ करीब 1000 से 1500 के बीच में आपको ये रूम मिल जाएगा। ये आपका लेट बाथ है और ये बेड नहीं है। सो आगे वीडियो में अपलोड करता हूँ। सो दोस्तों वृंदावन में आपको कई तरह कई फॉरेनर मिल जाएंगे, आप देखिए म्यूजिक का एंजॉय लीजिए। जय श्री राधे। तो दोस्तों ये फुटेज जबकि ये जब हम वृंदावन आए थे, तो अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेंपल पर इवनिंग में, क्योंकि यदि दोस्तों आपको टेंपल के दर्शन करने हैं तो आप इवनिंग टाइम में आइए, सबसे बेहतरीन नज़ारा इवनिंग टाइम में मिलता है। तो दोस्तों ये है शूज स्टैंड, और यहाँ पर आपको एक स्लिप और एक बैग दिया जाएगा जिसमें आप अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पर ये बढ़िया तरीके से जमा हो जाएंगे। ये देखिए आप इन्हें पर्ची दोगे और आपके शूज़ आपको मिल जाएंगे। दोस्तों वृंदावन में आपको यहाँ तक कि सभी मंदिरों में अपने मास्क, चेहरे पर मास्क लगाना बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों, कंपलसरी है ये, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है आप भी जानते हैं। तो बिल्कुल मास्क लगाइए और भगवान राधे राधे बोलते रहिए दोस्तों। आइए इस मंदिर का, इस्कॉन टेम्पल का नज़ारा का आनंद लेते हैं दोस्तों। दोस्तों वहाँ इस्कॉन टेम्पल के हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं दोस्तों के साथ में, तो आप भी इन फ़ोटोज़ का आनंद लीजिए, और कुछ वीडियोज़ भी हैं तो देखिए।
सो दोस्तों इस्कॉन टेम्पल के बाहर आए हम शाम के और इवनिंग के समय प्रेम मंदिर में, जो कि शाम को बेहतरीन नज़ारा होता है लाइटिंग के द्वारा। दोस्तों आइए नज़ारे का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर चेकिंग पॉइंट भी है। सो दोस्तों ये मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन है, विजिटर इंस्ट्रक्शन, खुश रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहें। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रेम मंदिर में इंटर करते हैं, श्री गुरुवेह नमः यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो कि शेष नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, वो बेहतरीन दृश्य है दोस्तों, बेहतरीन। आप देखिए नज़ारे का आनंद लीजिए। ये सामने है प्रेम मंदिर दोस्तों, तो दोस्तों अभी हैं हम प्रेम मंदिर में जो कि वृंदावन धाम में ही है। काफ़ी फेमस मंदिर है दोस्तों और आर्ट काफ़ी बहुत अच्छा बना हुआ है। आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। ये देखिए देख कैमरा कर देना। दोस्तों यहाँ पर गांव का चित्रण है जो कि भगवान श्री कृष्ण ग्वालाओं को और गांव गाय के साथ है। दोस्तों देखिए कितना मनमोहक दृश्य। यहाँ हम दोस्तों मंदिर की बैक साइड में आ चुके हैं, ये बैक साइड से का नज़ारा देख रहे हैं आप। और यहाँ दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अलग अलग अपने रूपों में नृत्य मुद्राएं कर रहे हैं। आनंद लीजिए दोस्तों प्रेम मंदिर में इस दृश्य का। और दोस्तों क्राउड की बात करें तो काफ़ी क्राउड है। ये गोवर्धन पर्वत है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ से स्टार्टिंग होती है दोस्तों, आइए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर के अंदर और हाँ यहाँ के कुछ गार्ड्स वीडियो बनाने देते हैं और कुछ नहीं बनाने देते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं वीडियो कैसी बनी। दोस्तों मंदिर के गार्ड ने मेरा कैमरा देख लिया है और उन्होंने कैमरा नीचे करने के लिए कहा है, तो कैमरा नीचे कर देता हूँ मैं। सो
सो दोस्तों, जैसा कि अध्यक्ष शाम हो चुकी है यानी कि इवनिंग हो चुकी है और प्रेम मंदिर पर लाइट चल चुकी है, तो लाइटों का नज़ारा देखिए दोस्तों। यहाँ पर कहते हैं कि शायद मंदिर में इतनी अच्छी लाइटें हैं कि वो बार बार मंदिर कलर बदलता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, वाओ दोस्तों कितना बेहतरीन सीन है, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों कलर बार बार चेंज हो रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सीन लग रहा है दोस्तों। प्रेम मंदिर जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा बाई के ऊपर है, ये देखिए दोस्तों फिर से कलर चेंज हुआ। तो दोस्तों आपने भी देखा प्रेम मंदिर का ये बेहतरीन नज़ारा दोस्तों, वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसके बाद सर दोस्तों एक मंदिर और है निधि वन, जहाँ पर काफ़ी परंपराएं हैं, वहाँ की आरती बहुत बेहतरीन होती है दोस्तों, लाइव भी चलती है आरती। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम गए थे श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पर कैमरा वगैरह ले जाना दोस्तों अलाउ नहीं है, इस कारण से सिर्फ वहाँ पर फ़ोटोज़ ही ले पाए।